का वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर की। भाजपा संसदीय दल की बैठक में गुरुवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति का खाका खींचा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं से युवाओं को जोड़ने और उनके बीच पैठ बनाने को कहा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद 2019 में आसन्न लोकसभा चुनाव पार्टी के लिए अगली बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद पार्टी संसदीय दल की बैठक में पार्टी की जीत के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया और आगे की रणनीति का खाका पेश किया गया। पार्टी ने दलितों तक पहुंच बनाने की कोशिश को जारी रखने पर जोर दिया, जिनके बारे में माना जा रहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी संख्या में भाजपा को वोट दिया है। भाजपा ने तय किया है कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर वो सप्ताह भर तक विभिन्न कार्यक्रम एवं समारोहों का आयोजन करेगी। पार्टी प्रत्येक पंचायत और वार्ड में एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित करेगी। वो 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस व्यापक रूप से मनाएगी, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा भी लेंगे। और अब नजर आते हैं आज की सुर्खियों पर। गोवा में पर्रिकर ने विश्वास मत जीता, मतदान में शामिल नहीं हुआ कांग्रेस का एक विधायक। पेट्रोल पंपों पर कार्ड से भुगतान पर अधिभार को लेकर राज्यसभा में सदस्यों ने जताई चिंता। जगदलपुर से विशाखापट्टनम के बीच विशेष ट्रेन चलाएगी ईसीआर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा जाकिर नाइक के IRF को प्रतिबंधित करने का फैसला भारत के हित में। रामनगर में बाघ ने 2 पर किया हमला, महिला की मौत, दूसरा लापता। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।